हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, टू बिल्ड टनल रॉक मस्ट बी थोरोली एग्जामिन, मोर टाइम स्पेंट ऑन स्टडीज। तो टनल बनाने के लिए फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, किसकी, रॉक्स की। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें। एन अंडर कंस्ट्रक्शन टनल ऑन द यमुनोत्री नेशनल हाईवे इन उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कोलैप्स्ड एट डाउन ऑन संडे, ट्रैपिंग 40 वर्कर इनसाइड व्हाइल एन ऑफिशियल रिपोर्ट इज अवेटेड। दिस इज हाउ इट कुड हैव हैपेंड एंड परहैप्स हाउ इट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। तो ये रिपोर्ट अभी आना बचा है, इस रिपोर्ट में जो बात होगी देखते हैं। पर उससे पहले, वॉट कुड हैव कॉज्ड अ पार्ट ऑफ टनल टू केव इन, ऐसा क्या था कि टनल गिरा। द फेलियर सेक्शन दैट हैज कोलेप्स्ड इज लोकेटेड अराउंड 200 to 300 meter फ्रॉम द माउथ ऑफ द टनल। तो अगर मानो ये टनल है आपका, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो माउथ से टनल के 200-300 meter की दूरी पर ये था। इट कुड हैव हैपेंड ड्यू टू लूज पैच ऑफ रॉक विच वॉजेंट विजिबल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। द पैच माइट हैव कंसिस्टेड ऑफ फ्रैक्चर्ड और फ्रेजाइल रॉक दैट इज रॉक विथ अ लॉट ऑफ जॉइंट्स दैट मे हैव मेड इट वीक। तो ये लूज पैच ऑफ रॉक के वजह से एक रीजन बताया जा रहा है। अनदर रीजन कुड बी द सीपेज ऑफ द वॉटर थ्रू लूज पैच। तो जो सीपेज है, अब रॉक्स ऐसे मानो ऐसे सेटल होंगे, अलग अलग रॉक सेटल होंगे, इसमें से वाटर सीपेज होगा, तो वहाँ से वाटर सीपेज होगा तो उसको वो लूज बना रहे होंगे। वाटर इरोड्स लूज रॉक पार्टिकल्स ओवर टाइम क्रिएटिंग अ वॉइड ऑन टॉप ऑफ द टनल। तो ये जब यहाँ पे इरोड करेंगे, यहाँ पे वॉइड बना देंगे। विच कांट बी सीन हाउ एवर, दीज आर ओनली जनरल प्रिंसिपल एंड वी मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। तो ये तो भाई बताया जा रहा है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है। एक रीज़न लूज रॉक बता दिया गया, दूसरा रीज़न वाटर सीपेज बता दिया गया। तो ठीक है, अब देखते हैं, वॉट आर द वेज इन विच टनल आर विच इन विच टनल्स आर एक्सकेवेटेड इन रॉक्स। देर आर एसेंशली टू वेज, द ड्रिल एंड द ब्लास्ट मेथड। एक तो ब्लास्ट मेथड हो गया, एक तो ड्रिल मेथड हो गया। एंड बाई यूजिंग टनल बोरिंग मशीन, ठीक है, ये टनल बोरिंग मशीन से होता है। DBM, DBM क्या है आपका, ड्रिल एंड, अच्छा ये ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड एक है और टनल बोरिंग मेथड दूसरा है। तो DBM हो गया आपका, ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड इन्वॉल्व ड्रिलिंग होल इन टू द रॉक एंड लोडिंग देम विथ एक्सप्लोजिव। वेन द एक्सप्लोजिव आर डिटोनेटेड द रॉक ब्रेक्स अपार्ट। तो जब एक्सप्लोजन होता है तो रॉक्स टूटते हैं। बिल्डिंग टनल विथ अ TBM, TBM क्या हो गया आपका, टनल बोरिंग मशीन। तो ये दूसरा हो गया, टनल बोरिंग मशीन मोर एक्सपेंसिव देन DBM, मच सेफर। तो ये सेफर है, पर भाई सेफर है तो महंगा है। TBM बोर द रॉक फ्रॉम द फ्रंट यूजिंग अ रोटेटिंग हेड वाइल सपोर्टिंग द एक्सकेवेटिंग टनल बिहाइंड द मशीन बाय इंस्टॉलिंग प्रीकास्ट कॉन्क्रीट सेगमेंट। इन इंडिया इम्पोर्टेड TBM आर यूज। ईच ऑफ दिस मशीन कैन कॉस्ट अप टू 200 करोड़। तो 200 करोड़ रुपये तक की ये मशीन आती है, इसीलिए इतना एक्सपेंसिव है। डज द मेथड ऑफ एक्सकेवेशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ टेरेन। क्या ये जैसे वहाँ पे ज्योग्राफी टेरेन है उसके ऊपर एक्सकेवेशन का मेथड डिपेंड करेगा। द TBM कांट बी यूज टू ड्रिल थ्रू वेरी टॉल माउंटेन क्रिएटिंग अ वॉइड थ्रू अ 1000 to 2000 meter। हाई माउंटेन बाई यूजिंग TBM लीड्स टू रॉक बर्स्ट। वेन अ पार्ट ऑफ द रॉक सडनली फॉल ड्यू टू हाई स्ट्रेस TBM आर आइडियल फॉर सिचुएशन इन विच द रॉक कवर इज अप टू 400 meter टॉल। अंडरग्राउंड टनल फॉर द दिल्ली मेट्रो वर डग यूजिंग TBM एट शेलो डेप्थ। ऑन अदर हैंड इन प्लेसेस लाइक हिमालय इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड DBM इज यूजली यूज। तो जहाँ पे आप देखो बड़े बड़े माउंटेन्स है, इसमें अब आपको होल करना है तो वह यहाँ पे TBM नहीं होगा, यहाँ पे DBM होगा, ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड होगा यहाँ पे, ठीक है। और दिल्ली में जो टनल्स बने हैं वो आपके TBM से बने हैं। आपके क्या होगा, ये TBM, अब देखिए टनल बोरिंग मशीन, ठीक है। इज हिमालय रीजन टू फ्रेजाइल टू टनल थ्रू, क्या हिमालय का रीजन बहुत फ्रेजाइल है कि उससे टनल बनाया जाए। जियोलॉजिकली स्पीकिंग द हिमालय इज स्टिल यंग, तो वो अभी भी यंग है, जैसे हमें पता है दे आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। दे वर फॉर्म्ड बिटवीन 40 million and 50 million years अगो। तो ये तो अभी बने हुए, लेटेस्ट है। एंड दे एज द फोर्थ, किधर गया ये, तो कुछ और है, जस्ट अ सेकेंड। एंड दे आर स्टिल ग्रोइंग टू द कोलिजन बिटवीन इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स एंड द यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये इंडियन
इंडियन प्लेट्स है, टेक्टोनिक, ये यूरेशियन प्लेट है, ये आपस में मिले तो यहाँ पे हिमालय हुआ, और ये अभी भी उस तरफ जा रहे हैं तो ये हिमालय का हाइट बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे यही बताया गया है। देर आर सम पैचेस वेयर द रॉक इज इंडीड टू फ्रेजाइल फॉर टनल, तो कुछ पैचेस तो हैं जहाँ पे रॉक फ्रेजाइल है, बट अनदर पार्ट द रॉक इज वेरी गुड, पर कुछ हिस्सों में रॉक सही भी है। आई हैव वर्क इन हिमालयन रीजन एंड बिल्ट टनल विथ फेसिंग मेजर इशूज, ठीक है, इन्होंने काम किया है। वी विटनेस्ट वेरी स्मॉल फेलियर विच वर रेक्टिफाइड इमीजिएटली बाय फिक्सिंग द क्राउन ऑफ टनल, सो इवन दो इन सम प्लेसेस द रॉक इज फ्रैक्चर्ड और फ्रेजाइल, देयर इज टेक्निकल सोल्यूशन टू फिक्स इट। तो इन्होंने बोला भाई ठीक है, कहीं कहीं पर फ्रेजाइल है पर उसका टेक्निकल सोल्यूशन भी है अपने पास, जिससे हम लोग उसको फिक्स करें। ऑल्सो टनल डू नॉट डिस्ट्रॉय द इकोलॉजिकल इकोलॉजी ऑफ द माउंटेन और हिल। टनल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इज अराउंड 200 ईयर ओल्ड एंड इफ एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली टनल आर इन डेंजरस। तो इन्होंने साफ बताया कि टनल की जो ये है, ये कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उससे इकोलॉजी को हार्म करेंगे, ये पुरानी चीज़ है, अगर इसको अच्छे से बनाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेंजरस नहीं है। वॉट इज की एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग टनल, तो की एस्पेक्ट क्या है? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज टू थरोली इन्वेस्टिगेट द रॉक थ्रू विच अ टनल इज प्रपोज टू बी मेड, तो वो रॉक का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दिस इज डन बाय सेंडिंग सिस्मिक रिफ्रैक्शन वेव थ्रू द रॉक टू चेक विच पैच आर फ्रेजाइल और सॉलिड, तो ये आप सिस्मिक वेव जो फिर से उससे पता चलेगा कौन सा पैच आपका सॉलिड है, कौन सा पैच आपका फ्रेजाइल है। इन इंडिया इंजीनियर डिग अ बोर होल इन टू अ रॉक टू एक्सट्रैक्ट अ कोर सैंपल एंड सेंड इट फॉर अ पेट्रोग्राफिक एनालिसिस। इंडिया में क्या होता है, उसको छेद करके वहाँ से पहले ही रॉक का सैंपल लेके उसको भेजते हैं कि एनालिसिस करो उसके ऊपर। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन द मिनरल कंटेंट, ग्रेन साइज, टेक्सचर और द अदर फीचर दैट हैव बीन बियरिंग ऑन द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द सैंपल, तो यहाँ पे तो और डिटेलिंग में चीज़ें पता चल रही है। सच इन्वेस्टिगेशन हेल्प डिटरमाइन इफ द रॉक कैन टेक द लोड ऑफ द ओवरबर्डन व्हेन टनल इज क्रिएटेड, ठीक है। इफ़ अ रॉक लेयर एंड इट्स स्ट्रेंथ आर गुड, अगर ये चीज़ सही है, इट टेक्स द एंटायर लोड ऑफ द ओवरबर्डन बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेस एंड इट रिमेन स्टेबल, तो स्टेबल रहता है। आप ऐसा पूरा टनल बना रहे हो तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उसके वेट को और वो स्टेबल रहेगा। वॉट डज इट टेक टू कंस्ट्रक्ट ए स्टेबल टनल, तो ये स्टेबल टनल कैसे बनता है, इसमें ये क्वेश्चन है। फर्स्ट, पहला चीज, इवन आफ्टर एक्सकेवेशन एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर अ टनल वी नीड टू मॉनिटर द स्पॉट्स, इट्स एसेंशियल टू चेक हाउ द रॉक इज बिहेविंग एट वेरियस प्लेसेस। मॉनिटरिंग इज डन बाय इंस्ट्रूमेंट सच एज स्ट्रेस मीटर एंड डिफॉर्मेशन मीटर, देन द सपोर्ट प्रोवाइडेड टू टनल नीड टू बी टेस्टेड फॉर एडिक्वेसी। सपोर्ट्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, क्या वेरियस टाइप्स के सपोर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग शॉर्टक्रीट, स्प्रेड कॉन्क्रीट डेट वर्क एज अ मेम्ब्रेन टू प्रिवेंट पार्ट ऑफ रॉक फ्रॉम फॉलिंग, तो मतलब यहाँ पे कॉन्क्रीट का हम लोग स्प्रे मारेंगे जिसके वजह से वो मेम्ब्रेन की तरह, एक लेयर की तरह चढ़ जाएगा और रॉक्स को गिरने से बचाएगा। रॉक बोल्ट, अ लॉन्ग एंकर बोल्ट फॉर स्टेबलाइजिंग रॉक एक्सकेवेशन, तो रॉक बोल्ट एक हो गया आपका, एक हो गया आपका शॉर्टक्रीट जिसमें कॉन्क्रीट को हम लोग करते हैं, स्टील रिब्स और बीम्स एंड टनल पाइप अम्ब्रेला बिल्ट बाय यूजिंग स्टील ट्यूब डेट कैन होल्ड रियली फ्रेजाइल रॉक, तो यहाँ पे ये सारी टेक्नोलॉजी है जो फ्रेजाइल रॉक को पकड़ के रखे। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट एन इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट जियोलॉजिस्ट विजिट अ टनल फॉर एग्जामिनिंग एंड टू चेक द प्रोबेबल फेलियर, दे विल ऑल्सो डिटरमाइन द रॉक्स स्टैंड अप टाइम, द ड्यूरेशन ऑफ विच रॉक कैन रिमेन स्टेबल विदाउट एनी सपोर्ट। सपोर्ट इज गिवन टू रॉक विद इन इट्स स्टैंड अप टाइम। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन इंडिया मोर टाइम नीड्स टू बी स्पेंट ऑन स्टडीज बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन। करेंटली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टनल प्रोजेक्ट इज डन साइमल्टेनियसली, ये तो एक चीज हो गया। अब देखते हैं, अब देखिए ये सारे टेक्निक्स बताए गए, माइल्ड स्टील पाइप्स हो गए, हॉरिजॉन्टल ऑंगर हो गए, ट्रेंचलेस टेक्निक्स हो गए, ठीक है, ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, जस्ट सेकंड, कुछ तो
अब देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाती है, दो टेक्निक हो गए आपके, एक तो लूज पैच रॉक का करने के लिए, एक तो नहीं दो रीजन से तो पहली बार टनल यहाँ पे टूटा है, एक तो लूज पैच होगा और एक वाटर सीपेज होगा, ठीक है। ये दो रीजन है जिसके वजह से यहाँ पे टनल में आपका आया है, जो टनल आपका कोलैप्स हुआ है। और ये टनल में ड्रिल करने के क्या तरीके दो है, एक तो आपका ड्रिल एंड डीबीएम, ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, एक है आपका टीबीएम, ठीक है। टीबीएम क्या है आपका, टनल बोरिंग मशीन, और डीबीएम आपका ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, ठीक है। हिमालय जैसे बहुत अभी बड़ा है, वहाँ पे बड़े जगह हम लोग डीबीएम ही यूज़ करते हैं, टीबीएम नहीं करते हैं। टीबीएम आपका काफ़ी महंगा आता है, इसकी जो मशीन आती है वो 200 करोड़ रुपीज़ तक का इम्पोर्ट होता है, इंडिया में नहीं है, ठीक है। और टीबीएम हम यूज़ कर लेते हैं ऐसे हिमालय जैसे एरिया पे, टीबीएम यूज़ नहीं करते। टीबीएम कहाँ पे यूज़ करते हैं, दिल्ली जैसे एरिया में जहाँ पे छोटा टनल बना रहे हैं कुछ करना है, वहाँ पे हम लोग टीबीएम यूज़ करते हैं। क्या हिमालय टू फ्रेजाइल है, हाँ कहीं कहीं पे हिमालय के कहीं पे फ्रेजाइल है, कहीं पे स्ट्रांग है, क्योंकि यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है ये वर्ल्ड के, ठीक है। अब ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है वर्ल्ड के, पर क्या इसका सोल्यूशन है जहाँ पे फ्रेजाइल है, हाँ बिल्कुल सोल्यूशन भी अवेलेबल है, टेक्निकल सोल्यूशन है इनके पास, क्या है रॉक फ्रैक्चर फ्रेजाइल, तो ये हो सकता है यहाँ पे टेक्निकल सोल्यूशन से ये लोग इसको ठीक कर सकते हैं। तो क्या ये बनाना सेफ होता है टनल, बिल्कुल सेफ होता है, ये बहुत पुराना मेथड है, अगर ढंग से एग्जीक्यूट किया जाए तो बहुत सेफ है। इसमें आप पहले रॉक की स्टडी करो, ये सब करो। इंडिया में क्या करते हैं, जैसे माउंटेन है इसमें होल करेंगे, यहाँ से होल करके यहाँ से रॉक उठा लेंगे सैंपल, और जाके उसको सैंपल को भेज देंगे, इतना सारा उसके ऊपर पढ़ाई करेंगे, कैसा सैंपल है क्या है उसको स्टडी करेंगे, उस हिसाब से वहाँ पे करेंगे। क्या ये सेफ होता है, बिल्कुल स्टेबल, हाँ बिल्कुल होता है, स्टेबल होता है। इसमें कुछ है मेथड्स है, जैसे रॉक बोल्ट हो गए, शॉर्टक्रीट हो गए, आपके स्टील रिप्स हो गए, बीम्स हो गए, टनल पाइप्स हो गए, आप ये सारी चीज़ें यूज़ करोगे, अम्ब्रेला हो गया, टनल पाइप अम्ब्रेला हो गया, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे तो आपका ये सेफ भी बनेगा। तो बस इतना ही था इस आर्टिकल में, शॉर्ट में मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया, तो बस इतना ही था। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।